इसका जो पुष्प है, हम पुष्प की बात कर रहे हैं, पहले पुष्प की ही हम चर्चा करेंगे। तो इसके जो पुष्प हैं, दूसरा इसका जो लाभ है, यह विषनाशक है और यह पौष्टिक भी है। हालांकि हमने इसका देखा है, सीधा पुष्प को सुखा करके भी यदि आप प्रयोग करते हैं तो शरीर को डिटॉक्सिक करने के लिए, यदि किसी भी तरह के टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है वो टॉक्सिन्स को कम करने के लिए भी इसका पाउडर कर करके हम लगभग 1 से 2 ग्राम भी हम इस फूल का जो पाउडर है वो हम ले सकते हैं। थोड़ा सा कसैला होता है, यह विषाणुनाशक है और इसके फूलों के सेवन करने से यह एक तरह से कामोद्दीपक भी है। हालांकि कामोद्दीपना के लिए फूल से ज़्यादा इसके बीज, फूल के बाद इसमें फलियां आती हैं, फली में जो बीज होता है वो ज़्यादा कारगर होता है कामोद्दीपना के लिए भी, या शरीर में काम शक्ति की अभिवृद्धि के लिए उस फूल में मिश्री मिला करके यदि आप प्रातः सायं दूध से लेते हैं तो उससे काम शक्ति की अभिवृद्धि होती है। आपके अंदर आंतों का जो इन्फेक्शन है, आंतों के अंदर किसी को किसी भी तरह से घाव है, व्रण है, अल्सर है, उसमें भी यह सहयोग करता है। तो ये लाभकारी है आपके पेट के लिए, आपके किसी भी तरह से जो सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है उसके लिए ये लाभकारी है। इसके अतिरिक्त इसका और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है, वो प्रयोग ये है, ये प्रमेह भी काम करता है, प्रदर में भी काम करता है। फूल का पाउडर मिश्री मिला करके यदि आप लेते हैं, बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें, फिर एक चम्मच ले लें, एक चम्मच में जैसे 3 ग्राम की लगभग मात्रा आ जाती है, आधा मिश्री मिलाते हैं तो 1.5 ग्राम मिश्री हो गई, 1.5 ग्राम पुष्प हो गया। तो 1 से 2 ग्राम ये पुष्प का पाउडर आप ले सकते हैं, परंतु यदि आपको मधुमेह है तो मिश्री को ना लें, ये आप ध्यान रखें। कई भाई बहनें हमसे मिलते हैं तो बात करते हैं, डायबिटीज़ में हम वैसे मीठा तो नहीं खा सकते पर उसमें शहद तो ले सकते हैं। मैंने कहा शहद में भी ग्लूकोज होता है, उसको नहीं लेना चाहिए। फिर कहते जी मिश्री तो ले सकते हैं थोड़ी। नहीं, आप बहाना मत ढूंढिए, जो भी मीठी वस्तु है वह मधुमेह के लिए नुकसानदायक है, चाहे वह फल के अंदर की ही मिठास क्यों ना हो, चाहे वो प्राकृतिक रूप से गन्ना ही क्यों ना हो। सिर्फ एक अभी अनुसंधान चल रहा है, एक पौधा होता है, हालांकि वह पौधा विदेशी पौधा है, हमने अभी उसके औषधीय गुणों की चर्चा नहीं की है। उस विदेशी पौधा को स्टीविया कहा जाता है, स्टीविया की जो शर्करा होती है वो, ऐसा अभी अनुसंधान हो रहा है, ऐसा माना गया है कि वह मधुमेह के रोगियों के लिए भी वह मिठास लाभकारी है, वो हानि नहीं करता है। इसके अतिरिक्त प्रायः जितने भी मीठी वस्तुएं हैं, मीठी चीज़ें हैं, वह मधुमेह के रोगियों के लिए हानिकारक है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब बिल्ली सामने बहुत नज़दीक आ जाती है तो कबूतर आँख बंद कर लेता है, क्योंकि डर के मारे वो भागना भूल जाता है, फिर आँख बंद करके वो सोच लेता है कि शायद बिल्ली चली गई, पर उससे बिल्ली के झपट्टे से कबूतर बच नहीं सकता। इसी तरह से किसी भी भ्रम में रह करके, हम आलस्य प्रमाद में रह करके अपने शरीर को, अपने देह को बिगाड़े नहीं। यदि कोई विकृति आ गई है तो उसके लिए हम लापरवाह ना हो। तो मैं बात कर रहा था पलाश के फूलों की।